जी, जितने प्राइम मिनिस्टर साहबान बने हैं, नवाज शरीफ साहब, मेरे घर में एक फैसले हुए हैं। ये जो है ना, फौज के खुद बने हुए नहीं हैं। फौज को तो खुद इन्वॉल्व करते हैं हमारे सियासी लोग, जाते हैं, जाके खुशामद करते हैं। मैं तो सारा सर विटनेस हूँ चीज़ों का। कई कई ऐसी चीज़ें, बेग साहब ने उस दिन मेरे प्रोग्राम में कई चीज़ों का इंकशाफ ही किया, क्योंकि पहली दफ़ा वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब बने थे, तो बेग साहब उस वक्त इन्वॉल्व, IGI बनी थी, जतोई का फैसला हुआ था, ये सारी हिस्ट्री मेरे सामने हुई। वो तो अपोजिशन के तो मामलात को हमने, हम ये कहते हैं कि अगर डिलीवरी मजबूती से हो जाए, अगर ये इफ़ेक्ट अभी आना शुरू हो जाए। मैं आपसे कहता हूँ, आपकी दरख्वास्त, आपकी बात बिल्कुल 100% सही है। अच्छा, मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि जिस एतबार से सारी मैक्रो लेवल पर चीज़ें गई हैं, हैं, अब हुकूमत जो है वो कोई रियल एस्टेट डेवलपर के साथ मिलकर काम नहीं करेगी। हुकूमत ने रास्ता ले कर दिया है, इस रास्ते पर चलो, उसकी गलियां भी बता दी हैं, है ना, जहां से पानी मिलेगा वो भी बता दिया। मगर मैं आपसे ये बात कह रहा हूं कि दो चीज़ों का इस हुकूमत को ख्याल रखना चाहिए। ये हुकूमत को मशवरा है, पब्लिकली मशवरा है, और प्राइवेटली भी इमरान खान साहब के साथ बात हुई, उसकी तरफ वो तवज्जो भी है। क्या दो मशवरे हैं? एक तो ये कि महंगाई जो है, जो खाने की महंगाई है, जिसमें आटा और चीनी और कुछ वेजिटेबल्स सब दें, आटा, चीनी, दाल, इसका ख्याल रखें, क्योंकि ये हमेशा न्यूज़ बनेगा कि प्याज आज इतने दाम हो गई और टमाटर इतने दाम हो गया। तो इन चीज़ों पर, इन चीज़ों पर गवर्नमेंट चाहे इंपोर्ट करके अपने स्टॉक्स को ज़रूरत से ज़्यादा रखे,